अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों का उत्साह देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रोत्साहन मिलने पर दिव्यांगजन बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। श्रेष्ठ दिव्यांग इन पुरस्कारों को बहुत व्यापक सामाजिक महत्व है। आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा। मैं अपने इस विश्वास को दोहराती हूं कि जीवन के प्रति दिव्यांगजनों के सकारात्मक दृष्टि से मेरा मनोबल बढ़ता है, समाज का मनोबल भी बढ़ता है। आज जैसे पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन प्रेरणा का लक्ष्य नहीं, प्रेरणा का स्रोत है। दिव्यांगजन में निहित नेतृत्व की क्षमता के आधार पर ही इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के विषय को चुना गया है। इस वर्ष का विषय है एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इस विषय के अनुरूप आज के पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजन में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजन में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, उनका कौशल विकास करने, उन्हें रोजगार दिलाने, उनके उत्पादों की खरीद को प्रिफरेंस देने की व्यवस्था करने तथा मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करने से उनमें नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी।